नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरु व्हीकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, सीजीएल का पेपर आरंभ हो चुका है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग पेपर में बैठे हैं, जो लोग पेपर दिए हैं, वो लोग जरूर बताएं कि उनका आज का पेपर कैसा रहा। तो देखिए, क्लास की व्यस्तता के कारण थोड़ा सा एक गैप रहा करंट अफेयर्स की सीरीज में, लेकिन अब हम लोग उस गैप को खत्म करते हुए यहां से फिर से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए कि मानव विकास सूचकांक 2019, ये देखिए मानव विकास सूचकांक 2019 में जो आया है, अभी हाल ही में 2020 में लाया गया है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां पर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए जैसे कि आप लोगों ने बार बार रिकमेंड किया कि सर इसमें जो भी हो वर्ड उसकी उसका इंग्लिश टर्म जरूर लिखें, तो आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है, तो इसको जरूर आप ध्यान से देखें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, मतलब मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 129th, मतलब 129वां स्थान है भारत का। और याद रखिएगा इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में जो नॉर्वे है वो पहले स्थान पर है, तो नॉर्वे का स्थान है पहला और इंडिया की रैंकिंग है 129th, 129वां। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली इस तरह पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है 129वां। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो याद रखिएगा नॉर्वे। और याद रखिएगा यहां पर देखिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, तो ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो आप लोग इकोनॉमी में इसको पढ़े हुए भाई कि मानव विकास सूचकांक जो है ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है महबूब उल हक, आप लोग सुने होंगे महबूब उल हक के द्वारा ये सबसे पहले इसकी अवधारणा लाई गई थी, इसका कॉन्सेप्ट बताया गया था मानव विकास सूचकांक का। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां पर देखी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको आप सुने होंगे, बहुत पॉपुलर इंडेक्स है, अक्सर आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 का मतलब आप समझ रहे होंगे 2019 की ये सारी एक्टिविटीज को इन्होंने देखा होगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो है 112वां, तो याद रखिएगा यार 112, ठीक है, 112वां स्थान है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का। और आइसलैंड जो है ये पहली रैंकिंग पे है, आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है। और याद रखिएगा इसको जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां पर देखी। अच्छा, यहां पर देखने वाली बात है कि इसके पहले जो 2017 और 2018 के जो इंडेक्स आए थे उसमें इंडिया की रैंकिंग 108 दोनों साल लगातार, और इस साल इसकी रैंकिंग में गिरावट हुई है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसी करंट अफेयर्स की सीरीज में मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि हाल ही में दादरा और नगर हवेली, यहां पर देखिए दादरा और नगर हवेली, और साथ में मैंने आपको बताया था दमन और दीव, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो आपका 26 जनवरी 2020 है, इस तारीख को दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो यहां से उसी पे आधारित मैंने एक क्वेश्चन यहां पर डाला है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 8, क्योंकि अभी तक आप समझ रहे होंगे अभी तक 9 थे, तो जब 9 थे तो ये दादरा नगर हवेली दमन और दीव को जब मिला दिया गया तो अब संख्या कितनी हो गई है, 8, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आयुध संशोधन विधेयक, मतलब आर्म्स, ये देखिए भाई यहां पर आर्म्स अमेंडमेंट बिल, तो देखिए हाल ही में आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 लाया गया, तो आयुध संशोधन विधेयक मतलब आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 में जो अभी विधेयक लाया गया, इसमें एक लाइसेंस पर, यहां पर देखिए एक लाइसेंस पर अधिकतम कितने हथियार रखने का प्रावधान कहा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो आंसर इसका 2। ये इसलिए इंपॉर्टेंट कि अभी तक जो एक लाइसेंस पर जो आर्म्स रखने का जो प्रोविजन था वो 3 था,
मतलब याद रखिएगा अभी तक एक ही लाइसेंस पर अधिकतम आप 3 हथियार रख सकते थे, लेकिन हाल ही में जो आयुध संशोधन विधेयक आया है, आर्म्स अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, इसमें कहा गया है साफ साफ कि अब जो होगा वो एक लाइसेंस पर मैक्सिमम आप 2 हथियार रख सकते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुशासन सूचकांक। देखिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में, तो बेहतर गवर्नेंस के बारे में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सुशासन सूचकांक में भारत में पहले स्थान पर कौन रहा, तो याद रखिएगा इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है वो सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहीं पर याद रखिएगा भाई पांडिचेरी। तो पांडिचेरी जो है वो भी पहले स्थान पर रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के दृष्टिकोण से। बाकी अगर हम बात करें कि निचले पायदान पर, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका सबसे निचले पायदान पर झारखंड है, तो इन राज्यों की स्थिति सबसे खराब बताई गई है सुशासन के मामले में, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये पूरे इस आज के पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है अब आपको दिख रहा है, अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना जो है, देखिए गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहां पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना कितने राज्यों में शुरू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए अटल भूजल योजना हमने देखा यहां पर कितने राज्य हैं भाई, 7 राज्य, ठीक है, और 7 राज्यों में टोटल जिले नहीं, 7 राज्यों के वे 78 जिले जहां पर जल प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है, मतलब वाटर मैनेजमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर वाटर का मैनेजमेंट। तो इन 7 राज्यों के 78 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 8,350 के लमसम गांव को लिया गया, लेकिन उतने आंकड़े आपको नहीं याद रखने, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 7 प्रदेशों के 78 जिले, 78 जिले डिस्ट्रिक्ट, तो आप याद कैसे रखेंगे, देखिए 7 और 7 के बाद क्या आता है 8, यहां से आपको याद रखना है, 7 के बाद क्या आता है भाई 8, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका स्टेट, और 8 लगा देंगे तो ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, तो इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अटल भूजल योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य में नहीं है या किस राज्य से नहीं है, तो यहां से कोई भी 3 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और चौथा कोई और ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो वही आपका आंसर होगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया अटल भूजल योजना। देखिए 25 दिसंबर को भी शुरू की गई है, आप जानते हैं कि सुशासन दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को अटल जी का जन्मदिन हुआ था, मनाया जाता है। तो ये देखिए 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना की शुरुआत इन 7 राज्यों के 78 जिलों में की गई है। ये भी बात याद रखिएगा कि इसकी जो लागत है वो 6,000 करोड़ है, जिसमें से 3,000 करोड़ यहाँ पर देखिए भाई 3,000 करोड़ जो है वो केंद्र द्वारा दिए जाएंगे, जबकि 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से मदद ली जाएगी। तो इस तरह से ये भी आपको अमाउंट याद रखना है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में देखिए 2+2 संवाद हुआ है, 2+2 डायलॉग हुआ है, तो पहली बात मैं यहां आपको बता दूं 2+2 डायलॉग जो है वो दो देशों के बीच सुरक्षा से संबंधित जो भी रणनीतिक गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए किया जाता है। तो 2+2 संवाद हाल ही में यूएसए के साथ भी हुआ है, श्रीलंका के साथ भी हुआ है, भारत का। यूएसए के साथ अगर बात करें तो यूएसए के साथ हुआ है दूसरा, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, और श्रीलंका के साथ हुआ है तो पहला, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 2+2 संवाद क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और भारत का यूएसए के साथ 2+2 संवाद हाल ही में हुआ है तो दूसरा हुआ है, और श्रीलंका के साथ पहला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि 2+2 संवाद क्या होता है, श्रीलंका के साथ कौन सा ये 2+2 संवाद है, इस तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाल ही में ये देखिए पपुआ न्यू गिनी, तो ये देखिए पपुआ न्यू गिनी की स्थिति आप लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप पे जाएंगे तो न्यूजीलैंड के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो पपुआ न्यू गिनी जो है उसमें से स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ है, और एक नए देश के लिए अभी जनमत संग्रह वहीं पर हुआ है, बोगेनविले, नाम याद रखिएगा। तो वहां पर लोगों ने इस तरह से रेशियो समझिए कि 98% लोगों ने जो जनमत संग्रह हुआ है, रेफरेंडम हुआ है, वहां पर लोगों ने कहा कि हमको अलग होना है पपुआ न्यू गिनी से, और बोगेनविले देश के पक्ष में मतदान हुआ है 98%। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 2% लोग ही चाहते हैं कि वो पपुआ न्यू गिनी में रहें, बाकी 98% लोगों ने कहा है कि बोगेनविले नामक वो अलग देश में रहना चाहते हैं। तो दो बातें आपको यहां पर याद रखें, तो ये पपुआ न्यू गिनी से अलग होने के लिए किस देश के पक्ष में यहां पर मतदान हुआ है, तो बोगेनविले, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
रैंकिंग एशिया 2020। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्वाकेरली साइमंड्स यूनिवर्सिटी है जो कि रैंकिंग जारी करती है कि किस यूनिवर्सिटी में कितना बेहतर मापदंड है शिक्षा का, एजुकेशन का। तो उसमें जो है एशिया, ये बात याद रखिएगा कि एशिया के लिए ये मापदंड तैयार किया गया है, तो उसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आप समझ रहे होंगे सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है ये, तो इसको पहली रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो एक चीज और याद रखिए, मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया भी होगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे कौन है, एशिया की नहीं पूरे वर्ल्ड स्तर पे। तो आपको मैंने बताया था एमआईटी, आपको याद होगा मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहली स्थान पर है, पहली रैंकिंग है इसकी, ये यूएसए की है। ठीक है, तो यूएसए का पूछेगा तो एमआईटी और एशिया का पूछेगा तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। बात करें भारत की तो आप जानते होंगे आईआईटी बॉम्बे भारत की तरफ से इसमें पहली रैंकिंग पे है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन कोप 25, तो ये बात याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन कोप 25 का हाल ही में सम्मेलन हुआ है मैड्रिड स्पेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन कोप 25 का सम्मेलन हाल ही में कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा स्पेन के मैड्रिड शहर में। ठीक है, भारत में यहाँ पर देखिए कि ये जो जलवायु, आप समझ ही रहे होंगे इससे नाम से समझ में आ रहा होगा कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे पर सब लोग वहां पर सम्मेलन में इकट्ठा हुए कि इससे कैसे निपटा जाए, तो इसकी इसी विषय पर ये सम्मेलन हुआ है। और भारत की तरफ से याद रखिएगा मणिपुर की, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि मणिपुर की जो लसी प्रिया कंगुजम, ये देखिए नाम लसी प्रिया कंगुजम, तो ये मणिपुर की है, ये 8 साल की है याद रखिएगा, और ये चूंकि भारत की है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एज अ वक्ता के रूप में ये सबसे कम उम्र की वहां पर वक्ता थी बोलने वाली जो इन्होंने स्पीच दिया, तो इनका नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की हैं और इनका नाम है लस्सी प्रिया कंगुजम। ठीक है, तो देखिए हमने इतने क्वेश्चंस की हमने बात की और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, इसको अच्छे से आप लर्न कर लें। जितने भी लोग अभी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे होंगे, पूरी टीम की ओर से जो जीएस गुरु विकल चैनल की पूरी टीम है, आपको पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका पेपर बहुत शानदार हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।